अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा ब्रेड। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस, शिमला मिर्चें, हमने तीन तरह की यूज़ की हैं, तीन कलर्स की, नमक हसबे ज़रूरत, लाल कुटी हुई मिर्च, फिश, आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटो पेस्ट और ऑलिव्स, एक लहसुन का जवा और मोज़रेला, फरमाजो, ओरिगानो। सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। प्याज आपने बहुत बड़ी बड़ी नहीं रखनी, छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेना है। जी, तो हम यूज़ कर रहे हैं तीन कलर्स की कैप्सिकम, रेड, ग्रीन और येलो। इन सबको कटिंग करके प्याज के साथ हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो सिर्फ एक कलर की शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इन सबको मिक्स किया। अब हमने इसमें ऐड की है येलो कलर की शिमला मिर्च। चलिए, तो अब हम बनाते हैं पिज़्ज़ा टमाटो पेस्ट। सबसे पहले आप एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून ऑयल और एक लहसुन का जवा उसमें ऐड करेंगे। साथ ही आप उसमें अपनी टमाटो पेस्ट को डाल लेंगे। बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। सॉस को बिल्कुल ही आपने खुश्क नहीं कर देना। बबलिंग स्टार्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 2-3 पिंच रेड चिली। नमक भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है। फोर टू फाइव मिनट हम अपनी पेस्ट को पकाएंगे और इसमें ऐड करेंगे ओरिगानो। ओरिगानो से आपका सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। एक टीस्पून हमने ओरिगानो का ऐड किया है। हमारी सॉस बहुत ही खुश्क सी नहीं हुई, हल्के से चम्मच हिलाया, मिक्स किया, ये देखें हमारी सॉस रेडी है। अब हम इस सॉस को अपने ब्रेड पीसेस पे लगाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फरमाजो। अब हम इस पे लगा रहे हैं फिश। आप चाहें तो चिकन बोनलेस लेके उसको पका के वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं टोनो फिश। दोनों फिश लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे अपनी तीन कलर की शिमला मिर्चें और प्याज, जिनको हमने छोटे छोटे साइज में कट किया था।
तमाम सब्जियां लगाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला। मोज़रेला के बाद हम इस पे लगाएंगे अपने ऑलिव्स और फिर से थोड़ा सा हाफ टी स्पून अपने इन ब्रेड स्लाइसेस पे आप ओरिगानो को छिड़क लेंगे और ओवन में रख देंगे। ओवन हमने 10 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ओवन हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका था। हमने ब्रेड को 5 टू 10 मिनट्स चेक करना है। जैसे ही आपकी चीज़ मेल्ट होगी और अच्छा सा कलर आएगा, आपने अपने ब्रेड को ओवन से निकाल लेना है। ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट, उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।